मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं पीएम मोदी, डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी आला नेताओं ने भी सीएम गहलोत को शुभकामनाएं दी। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के प्रचार दौरे पर निकल गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा माहौल नहीं देखा। उन्होंने कहा कि प्रेस पर हमला हो रहा है और सभी दबाव में काम कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि आरएसएस पर सीधा निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस भाजपा का हित साधने में जुटी है, उसे अपने आप को राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम के आवास के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, जन प्रतिनिधियों ने जन्मदिन के उपलक्ष पर सीएम अशोक गहलोत को बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी और साथ ही जोरदार उनका अभिनंदन किया गया। और मीडिया से मुखातिब होते हुए अशोक गहलोत ने आज जमकर आरएसएस पर भी प्रहार किए। कहा कि आरएसएस को खुद को राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सीएम आवास पर पहुंचकर जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाइयां देते नजर आए। सांस्कृतिक संगठन के रूप में अपने आप को अभी करीब सोशल कहना कहता है। आजादी के वक्त में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस वक्त पे इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था। सरदार पटेल ने लगाया प्रतिबंध, जो गृहमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। उसके बाद में इन्होंने लिख के दिया कि किस प्रकार से हम भविष्य में कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे। आज के साथ में क्या हुआ, आज ये पीछे रह करके राजनीति कर रहे हैं, पूरी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी एक प्रकार से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आरएसएस को खुद को अपने आप को राजनीतिक दल घोषित करना चाहिए। हमें खुशी होगी क्योंकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं विचारधारा की लड़ाई हमारी है, कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है।